NNI 24 न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। यूपी में दिखाई दिया रफ्तार का कहर। जी हां, फतेहपुर जिले के थाना सुल्तानपुर घोष इलाके में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। थाना क्षेत्र के आरामपुर बसई मोड़ के पास बारातियों से भरी हुई एक मिनी बस सामने से आ रही अचानक एक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोगों की तो दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी को अस्पताल ले जाते समय इलाज के दौरान मौत हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय अस्पताल से लेकर कानपुर के अस्पताल तक रेफर किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया और तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। आज जनपद फतेहपुर में सुल्तानपुर पहुँच थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एक बस तिन्नी में एक युवा कार्यक्रम से आई थी, उसमें कौशाम्बी गाँव से जा रही थी। रास्ते में सुल्तानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक्सीडेंट बस और एक ट्रैक्टर के मध्य उसमें 14 लोग को निकाल, जिसमें से 2 लोग जो हैं उनको तत्काल रूप से प्राथमिक उपचार दिया गया, उनको माइनर चोटें जो उनको उनके पर जगह प्राप्त हो गई। उसके तहत 4 लोगों की मृत्यु हुई है, अन्य जो सभी हैं शेष हैं उनमें से 3 लोगों को कानपुर रेफर किया गया। मल्टीपल इंजरीज थी, उनको पहले जो प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल और CFC अस्पताल दोनों में किए गए हैं, और स्पेशल एम्बुलेंस ALS के माध्यम से ही उनको किया गया। अन्य जो शेष हैं अभी हम कई बार अभी देखा है, सभी को समस्त उपचार बताए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएँ देखी जा रही है, उनकी स्थिति पर।